बहराइच जिले में पिछले 40 दिनों से एक खतरनाक आदमखोर भेड़िया कहर बरपा रहा है, जिसने अब तक 8 मासूम बच्चों और एक महिला को अपना शिकार बनाया है। इस भेड़िये की दरिंदगी ने पूरे इलाके को भय और दहशत से भर दिया है। मासूम बच्चों के अंगों को चीरते और उनके जीवन को निगलते हुए इस भेड़िये की क्रूरता ने पूरे गाँव को सदमे में डाल दिया है। गाँव के हर कोने में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। वन विभाग की सभी कोशिशें इन निर्दय भेड़ियों को काबू करने में नाकामयाब साबित हो रही है। भले ही प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की हैं, लेकिन इस खौफनाक मंजर में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। सुरेश, कहाँ रहते हैं? इसी तरह से ये घर है हमारा, भटौली। क्या घटना हुई? घटना इतनी पर लह पहुंच रहा है और आएगा चिल्लाए तो इनके मर्द आए। हरिद्वार प्रसाद तो ऊंचे छत पर रहे पहुड़े, तब वही हुआ से चिल्लान की लईगा लईगा लईगा, तब हम हुआ से आवाज पाए तब उठे हम पहले दो सीढ़ी उतरे रहे खलियान तैसे टिपर वो भद देखा ले दो सीढ़ी से दो पौड़ी से धरिन खा ले तैसे भद देखा ले गिर गए। तो हमें समय कहें कहें तो वैसी से हम देखें उनका गिरे जब तब उनके तब दौड़े तैसे कहें भैया हमें तिरका दौड़ के ना आओ हमारे बिटिया कहन उदय लईगा भेड़िया। तो हम तब मुड़के देखें कहें तुमरे नती उदय पाछे दे आते कोलिया में हम हम घुड़ के जब देखे उत्ते पर तो कोलियम तनी पूछ देखा तब उत्ते से दौड़न तो आगे जब सफाईला मिला तब देखा टांगे लिहे जाए तब दौड़न यहाँ से इतनी पड्डी ऊपर सफा मिला तो आग फिर आगे डोले तो फिर आड़ होगा घर का तब फिर जब आगे दौड़ गया तब आड़े वहाँ जाए कहाँ आड़े में फिर आगे जब सामने जब पहुँचे फिर हम का देखा फिर लिहे जाए। उसके बाद में खेत के तरफ मुड़ा तैसे उत्ते लाग है करे अरे बसूड़ बसूड़ से फिर आड़ होगा। तो जब ख्यात में चापर पहुँचे जैसे तार से तड़क के हम ऊपर निकल सके हम वह तार से फिर बैठ के निकले। इतना बड़ा है आगे पाछे के पतला है और आगे के डबल है लंबा मुंह है। तब लिए जाए फिर तब आगे कुछ दूर ख्यात में खेदेन गन्ना की तरफ तो जब हमने तार पैर में यहाँ पर यू तार आए लग गया है यू जब लपट गया गोड़े में यहाँ तब हम गिर गए। जब गिर गए तो कब उठेन तो लौट के हम ना जान पा किधर वो गवा। बाद में हमका ये सुबह लाग कि कुछ ने जब इतनी गन्ना न्याड़े पर रहा है तो गन्ने में चले गया तो सबसे चिल्लाए का गन्ना घेर लो गन्ने में है भी आगे ना गवा। तो जब उमा गन्ना में का गयन भया तले इसी या कि सुजलाल पूरी अपने अटवा पर पहुड़े रहे वही घोरइन कि इधे जात है और अटवा पर से उतरे वही भाग लिहिन अपन घर का उसके पीछे ना दौड़े घर का भाली डर में है। तब हुआ गए तो पैर मिले और वो लौट के हैं हम ना हुआ ना मिला हाँ दोबारा आवत है वह के रात में यहाँ उसके भोर पहाड़ जो खाना खाई घटना भय है 22 के रात 23 के भोर फिर आवा आवा तो इतनी पर आए के हैं इतनी पर ऐसे तो इतनी पर यहाँ पहुँचा तैसा गांव भर से कोई खेद लेने का तो रात भर कोई पहुड़ से ना आई है। बच्चन कहें सबका कमरम बंद कह दिन जात है और उसके बाद में छत पर लाठी डंडा लेकर टार्च लेके छत पर समासी रात ड्यूटी दिन जात है आवा तो तैसे लुल्हा लेन जात है ज्यादा जाप। क्या नाम है? नंदिनी वर्मा। गांव कौन सा है? कुमारनपुर। क्या घटना आपके यहाँ बीती रात में हुई? भेड़िया और मेरी चाची वहाँ पर लेटी थी वो आपत किधर पता नहीं किधर से आया वो उस पर हमला किया फिर वो चारपाई पर से उठा करके फिर आंगन में लेकर के आया वो पटका फिर मुझे आवाज सुनाई दी फिर मैंने दौड़ करके घर में से निकला बाहर फिर जैसे गेट थिएटर फिर मैंने देखा कि भेड़िया वो दोनों पैर धरे छत्ते पर और वो नट्टी को काट रहा फिर हमने खूब चिल्लाया पापा मेरे छत पर थे भैया वो भी वो पढ़ रहे थे तो फिर सो गए फिर उन्होंने चिल्लाया तो पापा उतर के आए मैंने एक दो ईटा मारा वो नहीं भागा फिर मैंने खूब गुस्से से मारा बस उसे लगा तब भगा। लगभग कितने बजे घटना हुई? 12:04-05 के बाद। क्या नाम है? क्या नाम है? रीता देवी। बाराबंकी के वन अधिकारी आकाशदीप बधावन और डीएम ने मिलकर 16 अधिकारियों को इस अभियान में शामिल किया है, परंतु भेड़ियों के आतंक में कोई कमी नहीं आई है। ग्रामीण अब रात रात भर जागकर पहरा देने पर मजबूर हैं, लेकिन अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का बाहर खेलना हंसना खेलना सब कुछ जैसे खत्म हो गया है। गाँव के लोग अब अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। क्योंकि ये जंगली जानवर होने की संभावना है तो जंगली जानवर ज्यादातर सुगंध से या दुर्गंध से ज्यादातर मिली जुली होती है तो इससे ये होता है कि अगर कोई और जानवर का वहाँ पे मूत्र या मल वगैरह पानी में मिक्स करके डाल देंगे तो वहाँ से निकलने की संभावना है। तो इसी मामले में जो आकाश बुधावन सर है इससे पहले DFO कतरनेगढ़ रह चुके हैं अभी DFO बाराबंकी है उन्होंने ये बताया कि ये कर सकते हैं करके
इसी मामले में हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे होगा जैसे आदेश आएगा इसके बाद। छोटे जानवर होते हैं जैसे भेड़िया वगैरह, क्या हाथियों के गोबर और यूरिन से ये दूर भागते हैं? दूर भाग सकते हैं क्योंकि ये दुर्गंध है, तो उनको पता है कि ये कोई और जानवर है यहाँ पर, तो इस मामले में हम अगर जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है ये समझकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके लिए ये प्रस्ताव है कि ये कर सकते हैं। वन विभाग ने अब इन आदमखोर भेड़ियों को रोकने के लिए एक नया तरीका खोजा है, हाथी के गोबर और यूरिन का इस्तेमाल। DFO बहराइच का मानना है कि हाथी के गोबर और यूरिन की तीव्र दुर्गंध छोटे जानवरों को उस इलाके में प्रवेश करने से रोक सकती है। इस गोबर और यूरिन को पानी में मिलाकर गांव के किनारों पर छिड़काव किया जाएगा ताकि इन आदमखोर भेड़ियों को गांव के अंदर आने से रोका जा सके। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह तरीका कारगर साबित होगा या फिर गांव के लोग इसी भयावहता में जीते रहेंगे, अपने बच्चों की मासूम जिंदगी को खोने के डर में डूबे रहेंगे? भय और निराशा के इस माहौल में ग्रामीणों को सुरक्षा की सख्त जरूरत है। वन विभाग और प्रशासन को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा ताकि बहराइच के लोग फिर से चैन की सांस ले सकें और मासूम बच्चों की हंसी इस गांव की गलियों में गूंज सके। लोकल ए टीम के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।